हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। आज जो है इंशाल्लाह इस सेशन में आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है जो हम सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कल जो है आप लोगों का एमडी केट डेट भी आया है। एमडी केट डेट जो है 27 अगस्त रखा गया है, लेकिन दिस इज नॉट द बिल्कुल आई कैन से बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें चेंजेस आ सकती है आप लोगों के पास, और भी इसमें वो आ सकती है। इट्स नॉट लाइक यू कैन से बाद में अक्सर डिले हो जाता है। इसके अलावा जो है एमडीकेट क्राइटेरिया के बारे में मैं आप लोग को बता दूं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो थे वो एमडीकेट क्राइटेरिया के बारे में पूछ रहे थे। तो वो जो है आप लोग के पास 10% मैट्रिक है, 40% जो है आपका एफएससी है, और 50% जो है आपका एमडीकेट काउंट होता है, ठीक है। आज जो है हमारे पास है स्पेशल गेस्ट फॉर यू पीपल, और आप लोग के लिए एक इंस्पिरेशन भी है और उसको आइडिया भी है, ठीक है। मेमूना आलम एंड शी गॉट 189 मार्क्स, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि इतना अच्छा स्कोर किया है, तो उसके पास जो टिप्स होंगे, जो सिलेबस हो के बारे में या स्टडी के हवाले से, क्योंकि एक स्टूडेंट अगर 189 मार्क्स लेता है एमडी केट में, तो आई थिंक वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल एडवाइसेस दे सकता है, ठीक है। सो वी वेलकम यू डॉक्टर साहब, ठीक है। एंड वी विल आस्क यू स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के मोस्टली वो पूछ देते हैं, और इसके अलावा जो है हमारे पास कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, वो भी आपने हमें आंसर करने हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या हम सिलेबस को एग्जैक्टली फॉलो करें, या फिर हम जो है उसके अंदर जो टॉपिक्स है वो फॉलो करें, या फुल चैप्टर जो है वो फॉलो करें। आपने क्या किया था, आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें, और स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस देंगे आप? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहूंगी कि जो मोस्ट प्राइमरी चीज है वो ये है कि जो मेरी रिकमेंड नहीं कर सकती कि वो जिस सिलेबस तक रहे उसको ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास टाइम कम होता है, तो ये बहुत रेयर केस होता है। अगर आपके पास टाइम कम है, किसी रीजंस की वजह से आप टाइमली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर सके, तो आप सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं कंप्लीट यूनिट। आवाज हमारे पास थोड़ी सी कट रही है, ठीक है। तो बात वो ये कर रही थी अबाउट द सिलेबस की, जिन स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट की है, ठीक है, तो वो जो है अभी सिलेबस तक स्टिक रहे हैं, और जो है पूरी पूरी चैप्टर्स जो है वो आप लोग कवर करेंगे, दैट विल बी परफेक्ट फॉर यू पीपल। मेमूना, आर यू हियर? आपका नेट इशू आ रहा है हमारे पास। हेलो, हेलो, अच्छा जी। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एमसीक्यू सोर्स आपने कहाँ से प्रैक्टिस किए थे? 189 मार्क्स थे आपके, तो आपने जो प्रैक्टिस किया था फॉर एमसीक्यू वो कहाँ से किया था? सॉरी, मुझे नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज नहीं आ सकी, आई एम सॉरी। आप क्या कह रहे हैं, रिपीट इट अगेन प्लीज। जो एमसीक्यूज आपने प्रैक्टिस के लिए, जो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज फॉलो करते हैं, तो आपने कौन सी प्रैक्टिस टेस्ट जो थे वो फॉलो की थी? MCQs bank की अगर बात करें, तो वो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले बच्चों को अपनी यूनिट्स सारी कंप्लीट करनी चाहिए। एक फुल बुक अपनी कंप्लीट करने के बाद तो ही आप MCQs की तरफ जाएं, क्योंकि जब आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होगी तो बच्चे ये करते हैं कि अपने हाफ यूनिट्स करके या कुछ एक दो चैप्टर्स करके अपने MCQs स्टार्ट करते हैं, तो उनसे MCQs नहीं हो पाते, तो फिर वो सीधा सीधा डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगी बच्चों को कि सबसे पहले अपनी कंप्लीट यूनिट अपना करें, सकता है तो अपनी पूरी बुक कंप्लीट करें या चैप्टर वाइज जिस तरह आपको इजी लगता है, तो उसके बाद आप एमसीक्यूज की तरफ जाएं। और अब अगर हम दूसरी बात करें कि एमसीक्यूज आपने करने कहाँ से हैं, तो वो एमसीक्यूज आप डिफरेंट प्रैक्टिस बुक्स मिलती हैं आपकी अकेडमी, किप्स अकेडमी है, टॉर्शिया अकेडमी है, जाविया अकेडमी है, किसी भी अकेडमी जो भी आपके नियर में है, आप वहाँ से प्रैक्टिस बुक लेके और अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा जी, आई विल रिपीट अगेन। मेमूना जो है, जो हमारे पास नई व्यूअर आए हैं, शी गॉट 189 मार्क्स इन एमडीकेट, ठीक है, और वो जो है आप लोगों को रिकमेंड ये कर रही है कि सबसे पहले आप लोगों ने अच्छी तरह से बुक कवर करनी है, ठीक है, बुक्स के ऊपर फोकस करें, और उसके बाद जो है
MCQs जो डिफरेंट एकेडमीज आप लोग को बुक्स इशू करती है, ठीक है, किप्स के है, स्टार्स के है, या डिफरेंट और भी एकेडमीज है, तो उनकी बुक्स और पास पेपर्स जो है आप उनको कवर करें, ठीक है। दिस इज हर एमसीक्यू सोर्स। एक स्टूडेंट है जिसने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, ठीक है, अब उसके पास 3 मंथ्स हैं, तो आप क्या रिकमेंड कर रही है कि किस तरह जो है वो इन 3 महीनों में अपनी प्रिपरेशन जो है वो जारी रखे, स्पेशली बायो के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगी, फिजिक्स के लिए क्या टिप है आपके पास, और केमिस्ट्री जो है उसके लिए क्या टिप है आपके पास। सब्जेक्ट वाइज आप उनको गाइड कर दे कि सब्जेक्ट वाइज बायो की कैसी तैयारी आपने की थी। आप स्टूडेंट्स को ये बता दें कि हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो आप सब्जेक्ट वाइज उनको गाइड करें कि हम जो है बायो की तैयारी वो किस तरह करें। हेलो, बहुत स्टूडेंट्स जो है वो कंटिन्यूसली ये चीज पूछते हैं कि बायो की जो प्रिपरेशन है या फिजिक्स की है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स है हमारे पास, तो इन सब्जेक्ट्स की तैयारी जो डॉक्टर साइम मुझे लगता है कि आपके जो वो एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अभी आवाज क्लियर आ रही है आपको? हेलो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं मेरा आवाज क्लियर आ रहा है आप लोगों को। मैं आपको कह रही हूँ आपकी तरफ आई गेस इंटरनेट इशू है, मुझे आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्टेड वॉइस आ रही है, मुझे क्लियर नहीं आ रही, आई एम सॉरी। अभी क्लियर हो गया या अभी तक वो सेम इशू चल रहा है? हेलो, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मुझे आपकी आवाज, मुझे आपकी तरफ आई गेस नेटवर्क इशू है, बिकॉज मेरे तो सिग्नल अभी आ रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, लेकिन आप मेरे क्वेश्चंस मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आप सब्जेक्ट वाइज क्या गाइड करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? सब्जेक्ट वाइज मैं ये गाइड करना चाहूंगी कि बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और इंग्लिश 4 सब्जेक्ट हैं हमारे पास। आर यू लिस्निंग मी? जी जी जी, आपकी आवाज क्लियर है। इसमें हमने करना ये होता है कि जो मेन चीज ये है कि बच्चे बहुत ज्यादा डीप चले जाते हैं चीजों को लेके, ना कि हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और कॉन्सेप्ट के चक्कर में ना वो अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर मत करें आप, कॉन्सेप्ट इज़ ए इम्पॉर्टेंट थिंग, बट बुक की लाइंस होती हैं, आपको अपना बुक की लाइंस को ये कर लें, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करें, और उसके बाद आप लोग अपनी बुक की लाइंस को याद कर लें। अब अगर हम सबसे पहले बायो की तरफ आते हैं, तो मुझे ये लगता है कि बायोलॉजी तो पूरा रट्टा है, उसमें तो मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए बैठ जाएं। आप बायो की तो बुक की लाइंस को ना वर्ड टू वर्ड रट लें, जहाँ तक मुझे लगता है। केमिस्ट्री है, उसमें हमारे पास 2 वर्ड होते हैं, एक ऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है, और मुझे लगता है कि उसमें भी इतनी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं हैं, वो भी आप बुक को फॉलो करें, चाहे आपके पास फेडरल बुक है या पंजाब की बुक है, किसी भी एक बुक को आप फॉलो कर सकते हैं जिस भी बोर्ड के हैं आप, और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो है वो फिजिक्स में होते हैं, उस वो आपको प्रैक्टिस मांगती है, उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, एग्जांपल्स होती हैं, और इंग्लिश में थोड़े बहुत जो है आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। बाकी जो केमिस्ट्री और बायो है, वो तो बुक की लाइन को एज इट इज़ आपको याद करना पड़ेगा, उसमें कोई इतनी बड़ी वो साइंस नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा लेके कॉन्सेप्ट को चलना है, और इसी चक्कर में बच्चों का फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। और मुझे ये लगता है कि अब बच्चे जो है जो बायोलॉजी है उसको यूनिट वाइज अपना पर यूनिट के हिसाब से लेके चलें, और जिस तरह आप चीज़ों को पहले कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करते हैं, फिर चीज़ों को याद कर लें, और उसके बाद जब एक आपका यूनिट कंप्लीट हो जाए, तो फिर जो भी जिस एकेडमी की प्रैक्टिस बुक है, फिर उस यूनिट की आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें एज ए एमसीक्यूज। इसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश को भी आप ऐसे ही कंटिन्यू करें।
अच्छा जी, तो द वेरी इंटरेस्टिंग, वो मैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स को जो है समराइज करूंगा कि बायो और केमिस्ट्री जो है आप जितना रिवीजन करेंगे ठीक है वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। फिजिक्स में जो है शी इज आस्किंग अबाउट, वो बता रही है कि आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आप लोगों को बेस्ट रहेगा। तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, और केमिस्ट्री और बायो जो है उसमें आप लोग कभी भी ऐसे ना करें कि कॉन्सेप्ट्स और डीप स्टडी इन चीजों के ऊपर ना जाए, जस्ट जितना आसानी से हो सके सुपरफिशियल आप लोग उन चीजों को सीखना स्टार्ट कर दे ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट वो है, इसको ना एमडीकेट को गेम ऑफ नर्व्स कहते हैं, कि स्टूडेंट्स जो है वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं लेकिन एट द एंड जो है वो खराब हो जाते हैं, तो ये नर्व्स को कैसे वो स्ट्रांग रखे, कैसे काबू में रखे। देखिए मुझे लगता है कि एम डी कैट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपको अपनी नर्व्स पे कंट्रोल करना है। जो बच्चा जितना अच्छा अपनी नर्व्स पे कंट्रोल कर सकता है वो इतना ही अच्छा स्कोर करता है। इसमें ये मैटर नहीं करता कि ये बच्चा बहुत लायक है, इसने कितनी तैयारी की है, या इस बच्चे की तैयारी कम है, ये थोड़ा कम इंटेलिजेंट है। ये सारी गेम है स्ट्रेस मैनेजमेंट की, और साथ साथ अगर हम बात करें तो टाइम मैनेजमेंट की है। तो ज़्यादातर जो बच्चे स्कोर नहीं कर सकते एम डी कैट में, उसकी मेन रीज़न यही है कि बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, एनजाइटी डिप्रेशन की वजह से ना, क्योंकि उनको लग रहा होता है डेफिनेटली वो भी अपनी जगह ठीक होते हैं कि ये एक शीट है जो आपके पूरे फ्यूचर को डिसाइड कर रही होती है, तो ये चीज़ फिर उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। तो मुझे ये लगता है कि मैं बच्चों को यही एडवाइस करूँगी कि कभी भी आप जब हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, कभी भी किसी बच्चे से ये आप ना पूछें कि तुम्हारी तैयारी कैसी है, कहाँ से तैयारी की है, कितनी अच्छी तैयारी है, बल्कि आप हर बच्चा यही सोचे कि इस हॉल में सबसे ज़्यादा लाइक मैं हूँ और सबसे अच्छी तैयारी मेरी है, तो डेफिनेटली फिर वो बच्चा थोड़ा कॉन्फिडेंट भी हो जाएगा और अपनी नर्व्स पे भी कंट्रोल कर लेगा। लेकिन जब बच्चे दूसरों से पूछते हैं, फिर हर बच्चा एक अपना डिफरेंट एक्सपीरियंस बताता है, तो वो जो पूछने वाला होता है वो फिर डिप्रेशन में आ जाता है कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, तो इसने तो इतना पढ़ा है और इतनी प्रैक्टिस बुक से तैयारी की है। अच्छा जी, सपोज आप ये करें कि आपका टेस्ट आ रहा है ठीक है, और आपके पास 3 महीने हैं, तो आप अपने लिए कौन सा टाइम टेबल सेट करती, अगर 189 स्कोर एक स्टूडेंट करना चाहता है तो वो अपने लिए कौन सी ऐसी टाइम टेबल जो है वो बनाए कि उसके जरिए वो जाएगा। सपोज आप जो है इन स्टूडेंट्स की जगह बैठ जाए और अपने लिए एक टाइम टेबल सेट करें ठीक है 24 आवर्स का, कि किस तरह जो है उनको ये 3 मंथ कैरी ऑन करना चाहिए। मैं इसमें एक चीज़ बताती चलूँ कि हर बच्चे का ना एक अपना माइंडसेट होता है और एक अपनी ही पर्सनालिटी होती है ठीक है, और एक अपनी ही क्या कह सकते हैं कि स्टेमिना होता है पर डे के हिसाब से चीज़ों को मैनेज करने का। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी भी बच्चे किसी एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी को या प्रॉपर किसी एक टीचर की गाइडलाइन को लेके उस हिसाब से अपना शेड्यूल कभी भी सेट मत करें, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट पर्सनालिटी का होता है। तो बच्चे सबसे पहले खुद बैठें, अपने आप को पहचाने कि वो किस तरह के माइंडसेट के हैं और पर डे कितना बर्डन वो टॉलरेट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से फिर हर बच्चे का स्लीप शेड्यूल डिफरेंट है। कुछ बच्चे हॉस्टलाइट हैं, कुछ बच्चे घर पे होते हैं, बीच में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो एकेडमी जाते हैं, तो हर तरह से जो है ना हर बच्चे का एक डिफरेंट टाइम टेबल होता है और डिफरेंट शेड्यूल होता है। तो मैं तो कभी भी बच्चों को ये नहीं कहूँगी कि बच्चों आपने सुबह फजर के टाइम ही 4 बजे उठना है तो ही आप टॉप करोगे, या बच्चों आपने पूरी रात बैठ के पढ़ना है तो ही आप टॉप करोगे। जो मेन चीज़ मैं बताना चाहूँगी बच्चों को वो ये है कि 3 मंथ्स इज़ ए ह्यूज ठीक है। इसमें सबसे पहले तो आप अपनी स्लीप का बहुत ख्याल रखें, एटलीस्ट आपकी रोज़ाना के हिसाब से 5 से 6 घंटे स्लीप मस्ट होनी चाहिए और अच्छी स्लीप होनी चाहिए। आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, एंड थर्डली ये कि आपको उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए, बस उसके अलावा पढ़ना ही पढ़ना होता है, और वो फिर पढ़ाई का जो टाइम टेबल आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि अगर मैंने 189 स्कोर अचीव किया है तो मैं अपना अगर शेड्यूल बताने बैठ जाऊँ कि मैं इतने बजे उठती थी, इतने बजे खाती थी, इतने हावर्स सोती थी, तो मुझे ही फॉलो करके हर बच्चा 189 स्कोर या 190 को क्रॉस करेगा, आई थिंक दिस इज नॉट गुड अप्रोच। हाँ ये बिल्कुल ये सही बात है, हर एक जो है गॉड हैज क्रिएटेड एवरी पर्सन विद डिफरेंट हेड एंड डिफरेंट माइंड ठीक है, तो ये जबरदस्त बात है। हाँ
तो हर एक स्टूडेंट जो है अपने आप को देख के अपने लिए टाइम टेबल सेट कर सकता है और वो अपनी मजबूरियों को भी पहचानता है, तो इसी हिसाब से वो जो है जाएगा। ठीक है, I'm sorry मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, एक और चीज यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी कि देखें कुछ बच्चे होते हैं जो ऑन द लाइटर नोट मॉर्निंग बर्ड्स होते हैं और कुछ नाइट आउल्स होते हैं, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपने सुबह सवेरे 4 बजे ही उठ के बैठ के पढ़ना स्टार्ट करना है तो ही आप जो है पास हो सकते हैं। कुछ बच्चे अर्ली मॉर्निंग स्टडी नहीं कर सकते, तो उनके लिए जरूरी नहीं कि वो 4 बजे उठ के पढ़ें, वो सो सकते हैं, सुबह के टाइम अपना ऐसा शेड्यूल बनाएं कि जो रात को अच्छा कंफर्टेबल पढ़ना चाहते हैं वो होल नाइट बैठ के स्टडी करें और सुबह सो जाएं, और जो बच्चे अर्ली मॉर्निंग बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि रात को 2-2 बजे तक ही बैठ के पढ़ने वाला कामयाब होता है, वो रात को टाइमली सो जाएं और अर्ली मॉर्निंग अगर कंफर्टेबल हैं तो अर्ली मॉर्निंग बैठ के पढ़ें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। अच्छा जी, एक और भी चीज है, आज मुझे इंस्टाग्राम पे ठीक है बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है, ठीक है, और वो एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपका भी अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं यो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमारा एग्जाम चल रहा है, ठीक है, अब इसके बाद हम फिजिकली अकेडमी ज्वाइन करें या ऑनलाइन जो है अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम है, 3 महीने है, ठीक है, तो क्या आप कौन सा सजेस्ट कर पाएगी कि ऑनलाइन जो है वो अपनी प्रिपरेशन करे या फिजिकल जो है वो बेस्ट रहेगा उनके लिए? देखिए ये भी मैं ये समझती हूँ कि इसमें ऑनलाइन के अपने बहुत सारे फायदे हैं और फिजिकल के अपने बहुत सारे फायदे हैं। ऑनलाइन का एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ऑब्वियसली वही लेक्चर वही टीचर होते हैं जो एक स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होते हैं, जो कि फिजिकली आपको जाके क्लास में लेने होते हैं। तो फिर ऑनलाइन का ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बच्चे बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं, उनका टाइम सेव हो जाता है, जैसे कि आपने एकेडमी के लिए प्रॉपर उठ के तैयार होना है, फिर एक स्पेसिफिकली आपने एक सफ़र करके एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो ट्रैवलिंग में उनका टाइम वेस्ट होता है, तो घर के अंदर बस वो जिस तरह भी हैं उठ के ऑनलाइन क्लास ली, उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ता, तो वहाँ पर उनका टाइम काफ़ी सेफ हो जाता है। तो अगर हम बात करें फिजिकल क्लास की तो फिजिकल के अपने एडवांटेजेस हैं, क्योंकि ऑनलाइन जब बच्चे क्लास लेते हैं तो यू नो कि ये FSC की स्टेज ऐसी होती है कि उसमें बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं कि मैं अभी सो लेता हूँ, चलो अभी मेरी अटेंडेंस लग जाएगी तो मैं अटेंडेंस लगा के तो कोई इंस्टाग्राम फेसबुक यूज़ कर लेता हूँ, ये लेक्चर तो मुझे आता है तो इसको मैं लेट गो कर देता हूँ, तो वो बच्चे फिर बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस में चले जाते हैं ना। तो फिजिकल का ये फ़ायदा है कि क्लास होती है तो क्लास में नींद आ रही है, भूख लग रही है, मूड है नहीं है, लेक्चर आपने सुनना है क्योंकि वो टीचर आपके सर पे होता है, तो ये फिर बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कितने मैच्योर हैं और किस हिसाब से खुद को लेके चल रहे हैं। मतलब ये हुआ कि अगर एक स्टूडेंट जो है बहुत मैच्योर है, सीरियस है, तो वो ऑनलाइन जो है उसके लिए फायदेमंद रहेगा, वरना आप जो है फिर फिजिकल ही जाएं, ठीक है, अगर आप सीरियस है तो वेल एंड गुड। अच्छा जी, आपको क्या लगता है आजकल के टाइम में कि FSC जो है मिनिमम कितना होना चाहिए एक स्टूडेंट का इस साल अगर वो कंप्लीट कर रहा है, तो आपके ख्याल में मिनिमम FSC कितना होना चाहिए उसका? मिनिमम FSC स्कोर कितना होना चाहिए? हाँ जी, क्योंकि देखिए 40% वेटेज उसका है ना, तो आपको क्या लगता है कि देखिए FSC इज वेरी इंपॉर्टेंट, FSC का जो स्कोर है वो तो मैं कहती हूँ कि एंट्री टेस्ट और FSC के स्कोर एक जैसी अहमियत के हामिल हैं अगर हम ये बात करें तो, क्योंकि 40% FSC की वेटेज है और 50% एंट्री टेस्ट एग्जाम्स है, तो FSC की भी उतनी इम्पोर्टेंस है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमारा मेरिट जा रहा है ऊपर, तो आई थिंक FSC में एक बच्चे को 90, 92, 93 तो लेने ही चाहिए, 90%, 92%, 93%, 90% जाएगा बच्चा तो ही एंट्री टेस्ट का भी स्कोर कर पाएगा और वो एग्रीगेट जाके इतना बन जाएगा कि वो पंजाब या KPK के मेरिट तक लाई कर सके। मिनिमम कम से कम मिनिमम 90 आपका होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए, बिल्कुल। अब हम ऐसा करते हैं कि स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन है वो शेयर करते हैं आपके साथ के स्टूडेंट्स क्या पूछ रहे हैं, ठीक है जी, प्लीज। अच्छा जी, तो लेट मी सी, डेट चेंज हो सकती है क्या? तो वो तो मैं आपको आंसर करूंगा कि डेट जो है कभी भी चेंज हो सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि डेट जो है वो चेंज हो गया था, एक डेट उन्होंने रखा हुआ था फिर बाद में जो है वो चेंज हो गया,
अच्छा जी, इसके अलावा शामी ग्रेट फैन, लव फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक यू शामी। फैज मोहम्मद सर, क्या डेट चेंज हो सकती है? सब डेट चेंज के बारे में ही पूछ रहे हैं, तो लास्ट ईयर भी आई थिंक चेंज हो गया था। देखें, बच्चों को अभी डेट के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए कि किस महीने में हमारा एग्ज़ाम हो रहा है, कौन सी डेट को हो रहा है, या डेट चेंज होगी या नहीं होगी, या जो अभी पीएमडीसी ने अभी रिसेंटली जो एक मीटिंग में बताया है, आई थिंक के सितंबर के अंदर एग्ज़ाम हो रहा है, क्या ये सितंबर के अंदर ही होगा? मैं ये समझती हूँ कि इन सवालों के अंदर बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे ही आपका एफएससी का आखिरी पेपर होता है, तो वेरी नेक्स्ट डे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। आप बैठें, अपना शेड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं कि टू एंड हाफ मंथ और थ्री मंथ्स में आपकी प्रिपरेशन हो रही है, इतने टाइम में आपकी रिवीजन होगी, इतने टाइम में आपको प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा। तो ये सारे शेड्यूल अपना एक बना लें, पर डे के हिसाब से वो टारगेट अपना कम्प्लीट करें। फिर अर्ली एग्जाम हो या लेट एग्जाम हो, आप अपनी तरफ से एक तरह से प्रिपेयर होंगे। इस चक्कर में पढ़ते रहे कि डेट कब, डेट कौन सी है, क्या डेट चेंज होगी, तो आपकी कभी भी, ये एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है कि बच्चे यूट्यूब पे चेक कर रहे हैं, कुछ टीचर से पूछ रहे हैं, आगे पीछे वेबसाइट्स पे देख रहे हैं, तो इस चक्कर में मत पढ़ें। आप अपनी जस्ट प्रिपरेशन करें, दिस इज योर प्राइमरी टाइम और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है अभी जस्ट अपना टारगेट फॉलो करना। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास एक नया क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक रामुल्ला पूछ रहे हैं कि सर इंग्लिश के लिए हम क्या यूज करें और आप कौन सा जो एमसीक्यू प्लेटफॉर्म है वो रिकमेंड करेंगे उसको फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करें, ठीक है, और कौन सी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें इंग्लिश के लिए? जी, इंग्लिश के लिए आप जो है वो अपने किसी भी बुक शॉप पर भी जा सकते हैं कि एमडी गेट की इंग्लिश प्रैक्टिस बुक दे दें, या फिर सबसे बेस्ट होती है किप्स की प्रैक्टिस बुक और इंग्लिश की आप बुक खरीद लें, क्योंकि एफएससी की जो बुक है वहाँ से जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना एनफ वहाँ पे मटेरियल है कि आपकी जो है वहाँ से तैयारी हो सकती है। तो मुझे ये लगता है कि आप किप्स या टॉर्शिया या इस तरह की अगर अकेडमीज हैं तो वहाँ से आप बुक खरीद लें और अपने साथ प्रैक्टिस बुक भी खरीद लें। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के बारे में है कि उसके लिए आपको पता है कोई अच्छा सा चैनल? वैसे मैंने भी ट्वीट किया है लेकिन आप कोई अच्छा सा चैनल उनको सजेस्ट करेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग के लिए? लॉजिकल देखिए, आई एम सॉरी, मुझे यूट्यूब पे ऐसे जितना कोई परफेक्ट पता नहीं है लॉजिकल रीजनिंग का जो मैं बच्चों को रेकमेंड कर सकूं, बट मैं इंग्लिश के एमसीक्यूज और प्रैक्टिस बुक और उसके साथ लॉजिकल रीजनिंग का यही कहूंगी कि किप्स इज द बेस्ट, वो बेस्ट प्रैक्टिस बुक है। अच्छा शबीर जैन, हाँ, एक पूछ रहे कि लॉजिकल रीजनिंग करनी है, तो अगर उन्होंने सेम सिलेबस कहा है तो इसका मतलब ये कि लॉजिकल रीजनिंग फिर करने है, ठीक है, सेम सिलेबस तो जाहिर है, हाँ, तो फिर इंक्लूड है, अगर सेम सिलेबस का बोला है तो फिर तो 100%। जैन इब्राहिम बोल रहे हैं सर मुझे एक एडवाइस दे कि किप्स जा रही हूँ और बहुत अच्छा कैंपस है, ये कौन कुछ इतना अजीब सा वो लिखा है, टॉप ग्रेड सब्सक्रिप्शन भी ली है, आई एम सो कन्फ्यूज, दोनों को कैसे मिले? अच्छा जी, सब्सक्रिप्शन भी ली हुई है और फिजिकल भी जा रहे, वो कह रहे कि मैं कन्फ्यूज हूँ, तो क्या करना चाहिए उसको? देखिए, अगर उन्हें ये लगता है कि वो सेल्फ स्टडी इतनी अच्छी नहीं कर सकती या ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकती, तो फिर किप्स अकेडमी इज बेस्ट अकेडमी, और आप ज़रूर जाएं, किप्स ज्वाइन करें, वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, और टीचर अच्छा होने से मुराद ये कि उन टीचर्स का काफ़ी एक्सपीरियंस है, 30-30 साल का एक्सपीरियंस है, और वो बच्चों को बहुत बेहतरीन गाइड करते हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। जबरदस्त। शबीर पूछ रहे हैं कि मेरा मैट्रिक 973 है, एफएससी 976 है, क्या मुझे एडमिशन मिल सकता है? हाँ जी, क्यों नहीं मिल सकता? आप 190 स्कोर आपने लिखा है, आप क्यों नहीं मिल सकता? डोंट बी लाइक दैट कि कोई भी आपको मुंह उठा के कहेगा कि नहीं हो सकता, हो सकता है, आपका एफएससी इतना बुरा नहीं है और टेस्ट में स्कोर किया तो यू कैन डू इट। अच्छा जी, उमर फारूक सर, ऑल सब्जेक्ट, क्या सर ऑल सब्जेक्ट को डेली स्टडी करनी चाहिए या डे बाय डे सब्जेक्ट वाइज, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट को डेली टाइम देना चाहिए या फिर अलग अलग सी कंट्रीब्यूशन रखनी चाहिए? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि इसमें दो मेथड हैं, ठीक है, जो भी मेथड बच्चों को ईजी लगता है वही वो चूज कर सकते हैं। एक तो ये मेथड है कि बच्चे एक बुक रखें
उसका टारगेट रखें कि ये मैंने इतने दिनों में कंप्लीट करनी है, लाइक बायो, ठीक है, बायो की बुक कंप्लीट करके वो फिजिक्स स्टार्ट कर दें और फिर फिजिक्स के साथ बायो की रिवीजन स्टार्ट कर दें, फिर फिजिक्स और बायो कंप्लीट हो जाएं देन केमिस्ट्री स्टार्ट कर दें और बायो और फिजिक्स की केमिस्ट्री के साथ रिवीजन स्टार्ट कर दें। एक तो ये तरीका है कि एक बुक को आप जस्ट होल डे पढ़ें। दूसरा ये तरीका है कि आप रोजाना के बेस पे हाफ ऑफ यूनिट तीनों किताबों के करें और साथ में इंग्लिश के थोड़े बहुत प्रैक्टिस करके एमसीक्यूज कर लें। तो ये मतलब दोनों ही तरीके ठीक हैं जो आपको इजी लगे। जबरदस्त। एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि मैं एक महीना पूरा महीना में बायो कवर करूं, फिर दूसरे महीने में फिजिक्स कवर करूं, फिर तीसरे, तो मैंने तो उसको क्लियर कट मना किया कि ऐसे कभी भी ना करें। देखिए फिर तो वो बहुत स्लो माइंडेड है। हमारे बायो के अंदर तकरीबन 13 चैप्टर हैं और आई थिंक फिजिक्स के अंदर 12 यूनिट्स हैं और फिजिक्स के अंदर 10 यूनिट्स हैं, और अगर आप होल डे एक यूनिट को टाइम दे रहे हैं तो एक कम्प्लीट यूनिट तो एक दिन में होना चाहिए, तो इट मीन्स कि 10 से 12 दिन में आपकी एक किताब खत्म हो जाएगी। तो एक महीने के अंदर तीनों किताबें आप खत्म कर सकते हैं। हाँ जबरदस्त। एक स्टूडेंट पूछ रहे सर हमें दिन में कितने चैप्टर्स कवर करनी चाहिए। दिन में देखिए आपको मेरे ख्याल में अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हैं कि आपको लाइक एक दिन में सिर्फ फिजिक्स ही पढ़नी है तो जस्ट एक कंप्लीट फिजिक्स का यूनिट आप एक होल डे में कर सकते हैं, एक पूरा चैप्टर आप करें, फिर इतना एनफ आपके पास टाइम होगा कि उसके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एमसीक्यूज। और बायो की आपको क्या लगता है बायो की कितनी रिविजन करने चाहिए एक स्टूडेंट्स को, इन तीन महीनों में कितनी रिविजन करने चाहिए उसको बायो के। देखिए बायोलॉजी जो है वो थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, उसमें ऑब्वियसली चैप्टर्स थोड़े लेंथी हैं, टॉपिक लेंथी हैं और उसमें चीजें इतनी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, आपको याद करना पड़ता है, इट्स टेक टाइम। जब आप चीजों का रट्टा मारते हैं तो वो फिर थोड़ा टाइम लेता है। तो उसमें आपको मेरे ख्याल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि उसमें आपको रिविजन बहुत ज्यादा करनी होगी। जब आप चीजों का रट्टा मारते हैं या कोई चीज याद करते हैं, सपोज आपने एक चैप्टर किया है तो नेक्स्ट डे आप दूसरा चैप्टर कर रहे हैं, तो जब आप तीसरे चैप्टर पे जाएंगे तो जितना भी ज़हन बचा है ना वो पहला चैप्टर भूला हुआ होगा अंटिल अनलेस जब तक उसकी रिवीजन नहीं करेगा। तो चाहे वो बायो है, फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, रिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रिवीजन मस्ट करें आप। और ये जो ये एक मसला स्टूडेंट्स को आ रहा है कि वो कहते हैं कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बुक में पढ़ लेता हूँ, मुझे समझ आता है, लेक्चर समझ आते हैं, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस टेस्ट पे जाता हूँ, ठीक है, या जाती हूँ, तो वहां मेरा रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिपरेशन नहीं आता, तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि उनका वो क्यों नहीं आता उसी तरह, क्योंकि उसको क्लियर कट सब कुछ समझ आता है फिर भी रिजल्ट खराब रहता है। ये कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ये हर बच्चा ये प्रॉब्लम फेस करता है कि जब शुरू में वो एमसीक्यूज ना बैठता है से बहुत सारे एमसीक्यूज, मेरे ख्याल से जब 60 एमसीक्यूज अगर पर चैप्टर के होते हैं या 100 होते हैं तो उसमें से कोई 5-10 एमसीक्यूज अच्छा जी आई थिंक मानूर गॉट सम सिग्नल इश्यूज। ठीक है तो मैं आप लोगों को आंसर कर देता हूँ। एंड शी एक्सपीरियंस्ड अ लॉट, उसने माशाल्लाह 189 स्कोर किया है लास्ट एग्जाम में, तो नो डाउट उसका बहुत एक्सपीरियंस है और जितनी भी क्वेश्चन मैंने की है तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद थे। ठीक है अब आप जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुख्तलिफ वो मैं आंसर कर देता हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग करवानी, यानी देखिए लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी आपने जरूर करवानी है। ठीक है लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट को आप कितना करें। हाँ जी आई थिंक यू गॉट सम सिग्नल इश्यूज। हाँ आपको मेरी आवाज आ रही जी अच्छा जी। हाँ मैं यहाँ पे एमसीक्यूज की बात कर रही थी, आप मुझे सुन रहे हैं? जी 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 आपकी आवाज आ रही है। जी जी एमसीक्यूज की स्टार्टिंग में अगर बच्चे कह रहे हैं हमारे एमसीक्यूज ठीक नहीं हो रहे, बहुत सारे एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं, तो ये कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ये हर बच्चा ये प्रॉब्लम फेस करता है, लेकिन बच्चों को खुद अपने आप को वो देखते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, लाइक अगर एक महीना उनके एमसीक्यूज ठीक नहीं हो रहे बट कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी कंसिस्टेंसी के साथ वो एमसीक्यूज करते जाएं तो MCQs ठीक भी होते हैं।
है, लेकिन ये चीज कंसिस्टेंसी मांगती है, रोजाना के बेस पे प्रैक्टिस करना, रोजाना के बेस पे जो है ना वो चीजें याद करना। एक दिन भी अगर आपने छोड़ दिया या तो वो फिर चीज वैसी नहीं रहती, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जबरदस्त डॉक्टर साहब, बस हमारा जो है तकरीबन आधा घंटा कंप्लीट हो गया है, आपका बहुत ज्यादा मैंने टाइम लिया एंड यू एक्सप्लेन एवरीथिंग सो वेल, बहुत जबरदस्त आपने एक्सप्लेन किया एक चीज को, दिस इज ग्रेट, लाइक नो वन कैन डू लाइक दैट, जितना आसानी से आपने उनको एक्सप्लेन किया। मैं दोबारा से स्टूडेंट्स को वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए, हमने सिलेबस के बारे में जितने इश्यूज थे वो सारे डिस्कस किए हैं, प्रिपरेशन के हवाले से पर सब्जेक्ट जो प्रिपरेशन है, बायो कैसे करनी है, फिजिक्स कैसे करना है, वो सारा हमने कवर किया। इसके अलावा जो है आप लोगों ने अपने नर्व जो है वो बता दिया कि ये गेम आप नर्व है, जितना आप स्ट्रांग रहेंगे, टेंशन नहीं लेंगे तो इतना ही आप जो है कामयाब होंगे। आई कैन से लाइक टेंशन इज द लॉस ऑफ एबिलिटी, अगर आपने एबिलिटी है और आप टेंशन ले रहे हैं तो वो आपकी एबिलिटी जो वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। और कितनी स्टडी करनी है, कौन से बुक्स लेने हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर, जो भी आपकी क्वेश्चंस थे वो भी तकरीबन आंसर हो चुके हैं। एट द एंड आप क्या कहना चाहेंगे, बस लास्ट में एक मैसेज दे रहे स्टूडेंट्स को, फिर हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, आर यू लिस्टिंग मी। मैं लास्ट में बच्चों को एक छोटी सी एडवाइस करना चाहती हूं। जी, आप एडवाइस दे दें स्टूडेंट्स को। जी, एडवाइस ये है कि जो बच्चे सुन रहे हैं उनको एक मेरी छोटी सी एडवाइस है कि प्लीज़ इस पे अमल करिएगा कि ये जो एमडी गेट है कि कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि हम कहें कि ये पता नहीं क्या है। इसमें जो मेन चीज़ है ना बच्चों, वो दो चीज़ें हैं, एक टाइम मैनेजमेंट है और दूसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट है। तो अभी जितने भी बच्चे मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं और अपनी नर्व्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते, और ऑन द टाइम जब वो इंटर टेस्ट एग्जाम्स दे रहे होते हैं तब भी वो टाइम नहीं मैनेज कर सकते, वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, वो कहते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को अगर आपने मैनेज कर लिया तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी जितने भी आप अगर पास्ट पेपर उठा के देखें या कई सालों से जितने भी आगे बच्चे जा चुके हैं, डॉक्टर्स बन चुके हैं, उनसे अगर आप एक्सपीरियंस उनका पूछें तो मेरे ख्याल से एफएससी की किताबों में से ही एमसीक्यूज आते हैं, कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आती। अगर आपने किताबें ठीक तरीके से पढ़ी हुई हैं तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे बुक की लाइन्स आ रही हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि बहुत कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्स होता है और कोई आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फेडरल बोर्ड और पिंडी बोर्ड की किताबों को अच्छे तरीके से आप पढ़ लें और एमसीक्यूज की जितनी हो सके प्रैक्टिस करें, थाउजेंड ऑफ मतलब एमसीक्यूज आप करें, और ताकि इंट्री टेस्ट वाले दिन आपकी एमसीक्यूज पे बहुत अच्छी ग्रिप हो। बस ये एक छोटी सी बात थी, बाकी कुछ भी इतना बड़ा ये नहीं है कि पता नहीं कितना बड़ा एग्जाम है और क्या हो जाएगा। आप लास्ट में, मैं आप लोगों को बस यही बताऊंगा लास्ट में, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये दोनों चीजें आप लोगों ने इन तीन महीनों में करनी है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट जो है वो दो तरह का है, एक आप लोगों का टेस्ट से पहले का टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है, कि आप लोग जो है डिसिप्लिन रहे, हर एक चीज को अपना टाइम वेस्ट ना करें इन दिनों में। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट टाइम मैनेजमेंट है वो आपका ड्यूरिंग द पेपर जो टाइम मैनेजमेंट होता है, ठीक है, वो आप लोगों ने करना है। तो स्टे डिसिप्लिन्ड, अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि आप बीमार ना हो और बीमारी की वजह से आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। और दूसरा जो बता दिया वो था स्ट्रेस मैनेजमेंट, और स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो ये है कि आप लोग बेशक स्टडी के साथ अपना थोड़ा सा दोस्तों के साथ भी गप लगाया करें, असर को बाहर निकले, दिस इज ऑल अबाउट यूर स्ट्रेस मैनेजमेंट। और उसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, जब आप टाइम वेस्ट करते हैं, अगर आपका पूरा दिन वेस्ट जाता है तो आपका टेंशन जो है वो ऊपर जाता है, ठीक है, तो फिर एक विशेष साइकिल आपका डेवलप हो जाता है, टाइम वेस्ट और फिर टेंशन ऊपर। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टेंशन भी नहीं आएगा एंड यू विल स्टे हेल्दी। सो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग अस एंड थैंक यू डॉक्टर साहब, अल्लाह। यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, अल्लाह हाफिज़।